हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट एकेडमिक क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, जो कि क्लास 9 तो ट्रायंगल चैप्टर के हैं। स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं और कौन कौन से रूल्स यूज करते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट की कैस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और इसमें यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रिक्स ऐसी हैं जिससे कि आप दो ट्राइंगल को बहुत ईजिली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके एक्सरसाइज 7.1 का है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या बोल रही है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो ए डी जो साइड है वो बी सी के इक्वल है। ओके, और एंगल डी ए बी, पूरा एंगल डी ए बी, ये यहां से लेके और यहां तक का पूरा एंगल डी ए बी, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए के इक्वल है। ठीक है, अब प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिखते हैं अपन, हम गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो यहां मैं गिवन लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या गिवन दे रखा है आपको। तो क्या क्या गिवन दे रखा है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, दूसरी चीज आपको दे रखी गिवन, एंगल डी ए बी किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट अपन टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है हमें, प्रूफ में करना है हमें ट्राइंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ट्राइंगल बी ए सी के, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, देखिए साइड से। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले उस ट्राइंगल को अलग अलग बना लो, यही ट्रिक है स्टूडेंट। रफ में, फेयर में नहीं, रफ में बनाना। तो यहाँ पर ट्राइंगल हमें कौन सा प्रूफ करना है, एक तो ए बी डी प्रूफ करना है, तो ट्राइंगल ए बी डी बना रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये रहा ए बी डी, इस कुछ इस तरह से, ये ट्राइंगल ए, ये ट्राइंगल बी और ट्राइंगल डी। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी ए सी। तो बी ए सी को भी आप जो है कुछ इस तरह बना हुआ, ये तो इस तरह ही बना लो, ये कुछ ट्राइंगल है आपका, कौन सा है ये, बी ए, थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको मैं, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया अपने पास बी, और ये हो गया अपने पास सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सी बी ए ट्राइंगल, और ये हमारे पास हो गया ए बी डी ट्राइंगल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम रूल्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज कर रहे हैं स्टूडेंट अपन देखना होगा हमें। ठीक है, और रूल लगाने के लिए हमें कम से कम 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रूफ देखो कैसे लिखेंगे इसका, इसका प्रूफ लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। सबसे पहले जो ट्राइंगल प्रूफ करना है तो अपन लिखेंगे यहाँ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी जो होगा उसमें देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको जो चीज गिवन है पहले उस पर ध्यान दो, ए डी और बी सी दोनों इक्वल हैं। तो ए डी लाइन कहाँ पे दिख रही है आपको स्टूडेंट, ये रही ए डी लाइन, और बी सी लाइन कहाँ दिख रही है, ये रही। तो ये एक इस ट्राइंगल में है और दूसरी दूसरे ट्राइंगल में है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी सी, पहली चीज। दूसरा आपको दे रखा है कि डी ए बी, डी ए बी कहाँ है एंगल, डी ए बी एंगल ये रहा स्टूडेंट, ये रहा डी ए बी एंगल, ठीक है, वो इस ट्राइंगल में है। और सी बी ए, और सी बी ए, सी बी ए ये रहा, वो इस ट्राइंगल में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल डी ए बी किसके इक्वल है, एंगल डी ए बी किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए के इक्वल है, ये हम लिखेंगे। अब हमें, मैंने क्या कहा था आपको, 3 चीजें चाहिए हमें, तो पहले 3 चीजों में साइड और एंगल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये एक साइड है, दिख रही है आपको क्लियरली, ये क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी एक साइड है, और ये एक एंगल है। ठीक है, अब हमें तीसरी चीज ढूंढनी है जिससे कि हम कोई ना कोई क्राइटेरिया इसमें लगा सके, या रूल कोई ना कोई इसमें लगा सके। तो तीसरी चीज ढूंढने के लिए आप देखो,
कि इसके अंदर यहाँ पे बी डी है और यहाँ पे बी डी नहीं है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी क्या है, ए बी है। तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन जा रही ए बी वाली, ये और ये, ये और ये, आप दोनों में है, ए बी लाइन इसमें भी है और ए बी लाइन इसमें भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप लिखोगे यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए बी, और रीजन क्या लिखोगे, कॉमन। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या है, एक साइड है। तो कौन सी क्राइटेरिया लग रही है इसमें, एस ए एस, तो आप लिखोगे यहाँ बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, ये मैंने समझाने में आपको थोड़ा टाइम लगा है लेकिन आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल को क्या करो, अलग अलग बना लो रफ के अंदर। रफ में बनाने के बाद गिवन लिखो, गिवन में से ढूंढो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, ये हमने ढूंढ ली क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ए बी यहाँ भी है और ए बी साइड यहाँ भी है, तो ये कॉमन है। तो कॉमन साइड होने की वजह से ये एस एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट वाला पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट वाला पूछ रहा है बी डी इक्वल्स टू ए सी। अब बी डी साइड कहाँ है, बी डी साइड ये रही स्टूडेंट। ठीक है, और ए सी साइड कहाँ है, ये रही। अब इन दोनों ट्राइंगल को ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, बी डी इक्वल्स टू ए सी ऑलरेडी लिखेंगे अपन यहाँ पे, डायरेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे रीजन लिखेंगे सी पी सी टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, और करस्पॉन्डिंग पार्ट मैंने आपको सिखा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में कि करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो हमेशा दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। तो ये भी सी पी सी टी का मतलब है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को आप ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट कर चुके हो, इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट कर चुके हो तो फिर आपके लिए डायरेक्ट लिखोगे आप, ऑलरेडी हम इसको कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो सी पी सी टी में हम लिख देंगे कि बी डी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, और सी पी सी टी यहाँ पे रीजन लिख देंगे। दूसरा उसके बाद वाला पार्ट क्या है, उसके बाद वाला है ट्राइंगल ए बी डी, सॉरी एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी, ए बी डी एंगल कहाँ है, ये रहा, ये मैं वाइट से बनाता हूँ एंगल। ठीक है, ये रहा एक एंगल, कौन सा ये, ये है ए बी डी, और बी ए सी, बी ए सी कहाँ है, ये रहा। अब हम ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है उसमें भी आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, और रीजन क्या लिखोगे, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये याद कर लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ये है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके एक्सरसाइज 7.1 का है। ठीक है, यहाँ लिखा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ये एल, ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन एल और ये वाली लाइन जो है एम, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। पी और क्यू भी एक पैरेलल लाइंस है जिससे कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर में देख लो आप, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। तो ट्राइंगल ए बी सी का है, ये रहा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और एंगल सी डी ए का है, सी डी ए, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, क्या करोगे आप, सबसे पहले आप करोगे उन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बना लोगे, और सबसे पहले गिवन भी लिखोगे। तो मैं पहले यहाँ गिवन लिख देता हूँ। गिवन आपको सिर्फ दो एक ही चीज दे रखी है कि एल एंड एम, शॉर्ट में लिखता हूँ, एल पैरेलल है एम के, और क्या दे रखा है,
पी पैरेलल है क्यू के, ये आपको गिवन दे रखा है, ठीक है ओके। अब जो सॉल्यूशन है उसमें देखो, सबसे पहले ट्राइंगल को क्या कर लो, अलग अलग बना लो। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ट्राइंगल एक तो कुछ इस तरह बन रहा है ए बी और सी, और दूसरा ट्राइंगल है कुछ इस तरह बन रहा है, ये जैसा बन रहा है वैसे बनाने की कोशिश करो, तो ताकि आपको डायग्राम में और इसमें कोई फर्क नजर ना आए, ठीक है। डी ए सी, ये दो ट्राइंगल हमने बना लिए। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसे प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन लिख ही दिया, ठीक है, टू प्रूफ लिखो यहाँ पे पहले कि क्या प्रूफ करना है, ठीक है। हर एक स्टेप का ध्यान रखो, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी ए के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ओके। अब हमें प्रूफ करने के बाद यहाँ पे लिखना है प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले देखो आप ये चीज़ देखो, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें भी, इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि एसी लाइन इस ट्राइंगल में भी आ रही है और एसी लाइन इस ट्राइंगल में भी आ रही है। तो लिख दो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए एसी इक्वल्स टू एसी, और रीज़न क्या लिखेंगे अपन, रीज़न लिखेंगे कि ये साइड क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन साइड है ओके। अब नेक्स्ट चीज ढूंढनी है हमें, अब दो चीजें और ढूंढनी है इसके अंदर। तो जो चीज गिवन है उस पे ध्यान दो, एल और एम पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है और उसमें एक पी क्यू लाइन जा रही है। तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम पढ़ क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइंस को, ये L और M है और ये P और Q है, दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल में, ठीक है। और इसके अलावा आप क्लास 7th और 8th में भी पढ़ के आए हो ये। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये कुछ एंगल्स फॉर्म करती है, जिसमें से बहुत सारे एंगल्स होते हैं, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये सारे एंगल्स ये फॉर्म करती हैं, तो आपको इसमें से निकालना होगा कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पे एक जेड फॉर्म हो रहा है, और जेड वाले एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये एक जेड फॉर्म हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है ना जेड फॉर्म, और ये जो जेड फॉर्म हो रहा है, ये जेड जो फॉर्म हो रहा है इससे क्या बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जेड फॉर्म करने वाले एंगल कौन से होते हैं, वो होते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, देखो डी ए सी इस ट्राइंगल में आ रहा है, आ रहा है ना इस ट्राइंगल में, और इक्वल है एंगल बी सी ए के। बी सी ए एंगल कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है इस ट्राइंगल में, ठीक है, लिख दो एंगल बी सी ए। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे अल्टरनेट एंगल, रीजन है अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब दोबारा देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब दोबारा देखो, ये लाइन पैरेलल है, क्लियर दिख रही है आपको, ये दो लाइन पैरेलल है। तो यहां पर ये जेड बन रहा था, अब एक जेड और बन रहा है यहाँ पे, कौन सा, ये वाला, मैं लाइन बना रहा हूं, बन रहा है ना, और ये जेड बन रहा है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आपको क्लियर दे रखा है कि पी पी जो है वो भी पैरेलल है क्योंकि, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई लाइन इस तरह फॉर्म होती है, जेड बनाता है, तो वो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट एंगल को, अल्टरनेट एंगल भी बनाती है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी एंगल डी सी ए, ठीक है। क्या लिखा है हमने, एंगल बी ए सी, बी ए सी कौन से
देखो इस ट्रायंगल के अंदर कि BAC कौन से एंगल में है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा पास से। BAC की बात कर रहे हैं अपन, BAC कहाँ है, ये रहा, इस ट्रायंगल में आ रहा है। और दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं हम, कौन से एंगल की, DCA की। तो DCA कौन से एंगल है, ये रहा, इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको, तो लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, रीजन हम लिखेंगे यहाँ पे, रीजन यह जो है आपके पास है कौन सा है, वही सेम ऑल्टरनेट एंगल, ये हमने रीजन यहाँ पे लिख दिया। रीजन लिखने के बाद हमारे पास ये क्या चीज है, ये हमारे पास एक साइड है, और ये क्या है, ये हमारे पास एक एंगल है, और ये क्या है, ये भी एक एंगल है। ठीक है, तो बाय कौन से प्रॉपर्टी लग रही है बताओ आप मुझे, ये लग रही है बाय AAS। ठीक है, ये वाला रूल है हमारे पास, बाय AAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। ठीक है, ये हमने कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज से ज्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इसी में से आपके हाफ ईयरली में आपको और एनुअल में आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे इस एक्सरसाइज से। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो लाइन एल है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे मैं मान लो ये है, ये एक एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब होगा ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के इक्वल है, बाइसेक्टर का मतलब यही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइन जो एल है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो एंगल ए का बाइसेक्टर का मतलब होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे बस मुझे, ठीक है, ओके आगे देखते हैं। बीपी एंड BQ, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर ऑन B टू द आर्म ए। तो कह रहा है ये BP जो है और BQ जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्लियर बना हुआ है 90 डिग्री का सिंबल, तो ये 90 डिग्री का सिंबल भी बना हुआ है। ठीक है, दो चीजें दे रखी है, अब वही चीजें जो पहले दे रखा है उसको लिख लो। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले गिवन गिवन क्या दे रखा है, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है हमें ट्रायंगल APB और BPQ। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको गिवन दे रखा है एंगल वन जो कि क्या है, QAB इक्वल है एंगल टू के। वो कौन सा एंगल है, वो एंगल है BAP। ठीक है, ओके, आप क्या कह रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये भी लिख लो, गिवन में है ये। तो एंगल BQA और एंगल BPA दोनों इक्वल हैं। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं और गिवन भी है। ठीक है, ओके, अब हमें प्रूव करना है, तो देखते हैं क्या प्रूव करो यहाँ पे। प्रूव करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AP B कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें वही लिखेंगे क्या क्या आपको गिवन है, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लो ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा ट्राइंगल में क्या चीज कॉन्ग्रुएंट है, क्या है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैं बना देता हूँ दोनों ट्राइंगल को। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल आपके पास बन रहा है कुछ इस तरह, तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, और ये हमारे पास हो गया क्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, इसको थोड़ा सही बना लेना। ठीक है, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, उसी तरह यहाँ पे एक और बन रहा है एंगल कुछ इस तरह,
ट्रायंगल मतलब ए पी और ये भी क्या है बी है, और इसमें ये वाला एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों को ही हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो क्यू ए बी, क्यू ए बी ये रहा क्यू ए बी इस ट्रायंगल में है, वो किसके इक्वल है बी ए पी के, बी ए पी का है ये रहा। तो ये दोनों एंगल एक इस ट्रायंगल में है एक इस ट्रायंगल में, तो लिख दो इसको एंगल क्यू ए बी इक्वल है एंगल बी ए पी के, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या दे रखी है बी क्यू ए, बी क्यू ए ठीक है, ये रहा बी क्यू ए कितने डिग्री है 90 डिग्री है, और बी पी ए कितने डिग्री है 90 डिग्री है, दोनों एक इस ट्रायंगल में है एक इस ट्रायंगल में, लिख दो इसको भी एंगल बी क्यू ए और एंगल बी पी ए दोनों इक्वल है ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, अब क्या है, अब क्या लिखना है हमें, अब हमें लिखना है यहाँ पे तीसरी चीज ढूंढनी है। अब तीसरी चीज ढूंढो, आपको कोई चीज ऐसी है जो दोनों में दिखाई दे रही हो, हाँ दोनों में दिखाई दे रही है ना आपको, ये ए बी साइड देखो और इधर भी ए बी साइड देखो, है ना यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे दोनों में है ए बी साइड, तो लिखोगे यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए बी, और रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे कॉमन साइड, या कॉमन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या है, एक एंगल, ठीक है, ये क्या है आपके पास एक एंगल है, और ये क्या है एक एंगल, और ये क्या है एक साइड। तो कौन सी रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बाय ए ए एस, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट आगे बात समझे, आपको बात समझ में आ गई होगी, ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तीनों चीज बता दी मैंने, तीन चीजें हमें मस्ट है बताना, तीन चीजों में हमें पता चल जाता है कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। दो चीज ऑलरेडी गिवन थी, एक चीज हमें ढूंढनी थी, अलग अलग ट्रायंगल बनाओ, ये देखो कौन सी चीज इसमें कॉमन है, कॉमन नहीं है तो कुछ और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में बीपी इक्वल टू जो है बीक्यू, तो बीपी साइड कहाँ है देखो, इधर बीपी साइड व्हाइट से बना रहा हूं मैं, ये बीपी ये री साइड, और बीक्यू कहाँ है, बीक्यू ये री साइड। अब इन दोनों ट्रायंगल को ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, और जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके होते हैं तो उसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल, और उस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं सी पी सी टी। तो सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर लिखेंगे बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ठीक है, तो सी पी सी टी लिख दिया, बस हो गया ये हैंड्स प्रूव्ड, और ये भी हैंड्स प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।